गांव की सरकार चुनने के लिए ग्रामीणों में अलग ही उत्साह नजर आ रहा है। पंचायत चुनाव शुरू होते ही अभ्यर्थियों के नामांकन भरने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। चुनाव के रंग में अलग अलग नजारे देखने को मिल रहे हैं। ऐसा ही कुछ नजारा पांडुन्ना के गांव रायवासा से ही सामने आया है, जहां नामांकन दाखिल करने युवा किसान रोशन पांसे अपने घर से बैलगाड़ी बखर लेकर पहुंचे। इस खास दिन के लिए प्रत्याशी ने अपनी बैलों को भी सजाया। आखिर प्रत्याशी ने ऐसा क्यों किया, जाने खुद उनकी जुबानी। पंचायत अम्बाड़े में अपना नामांकन फॉर्म जमा करने के लिए बखर और बैल जोड़ी के साथ गया, क्योंकि जो महंगाई बढ़ रही है दिन ब दिन, जो महंगाई बढ़ रही है इसको सोचते हुए मैंने सोचा कि कुछ बचत की जाए और कोशिश की जाए अपने राष्ट्र के लिए। तो इसी के लिए एक जुगाड़ लगाया। मैंने सोचा सारे घर का ही है, बैल है, बखर है, उसमें जो कड़ांग रहती वो और जो उनके जो कपड़े हैं बैलों के, उनको सजाते हुए मैं वार्ड क्रमांक 8 से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में ग्राम पंचायत रायबासा का अपना नामांकन फॉर्म दर्ज किया। और किसान रोशन पांसे ने ग्राम पंचायत अम्बाड़ा में अपने निर्वाचन कार्यालय जाकर नामांकन दाखिल किया। युवा किसान रोशन के इस अंदाज की सोशल मीडिया पर भी अब जमकर चर्चा हो रही है। समाचार प्लस के लिए छिंदवाड़ा से मोहित साहू की रिपोर्ट।